ಹೆಂಗಸ ಬೇಡ ಮಾಸ್ಟರ್. अरे मोरे राम बागन में जैसे नाचे जिंदगी, अरे बागन में जैसे नाचे बागन में जैसे नाचे जिंदगी, खेल खेल जिंदगी समय के आंगन में. कल जलाओ भैया लोग होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जवन लड़कवा के दुई बरिस कर लेके लक्ष्मी जोधपुर राज दरबार में आई रहीन. उ लड़कवा 16 बरिस का उम्र का हो गई बा, बढ़िया कुश्ती का लड़वैया हो गई बा. राजा अपनी बेटा के सरीके ओके खियावत पियावत हुन, संगे अखाड़ा पर लेके जात हुन. इलाके के कोनो पहलवान के हिम्मत नहीं, वो जालंधर से हाथ तमिला ले. राजा बड़ा प्रसन्न हुन कि हमार बेटा दत्तक पुत्र ही सही, लेकिन दुनिया में हमार नाम रोशन करी. भैया हो यही खुशी में जो सुबेदार यादव और साथी गाजीपुर उत्तर प्रदेश. आप सब श्रोता भगवान को चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं. उम्मीद है, आशा है कि जरूर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा. और ये रिकॉर्डिंग उजाला फिल्म्स की प्रस्तुति, निर्माता हैं उमेश गाजीपुरिया जी, निर्देशक हैं रमा शंकर तूफान जी. रिकॉर्डिंग जहां हो रही है रिसान स्टूडियो बक्सर बिहार, और रिकॉर्डिस्ट हैं आदरणीय सोनू मिश्रा जी. विशेष सहयोग सुनील यादव, मुन्ना भैया, मनोज जी और अजय कुमार जी का है. आप सबको भी सुबेदार यादव पार्टी की तरफ से बहुत बहुत चरण स्पर्श स्वीकार हो, आशीर्वाद की आकांक्षा. एक गीत प्रस्तुत है, गीत का शीर्षक पाएंगे जिंदगी का खेल. इस मनुष्य शरीर में इंसान की समय कब करवट लेती है, कब इंसान उस करवट का दास्ता स्वीकार कर लेता है, कभी को भी समझ में नहीं आती है बाबू. तो चार लाइन लिखने वाले कवि ने भूमिका लिखा है. बदल दे जमाना जो हस्ती से अपने, लहरे विजय का पताका गगन में, उसी वीर की गाथा चांदी सितारे, मसक्ति जवानी चमन हर चमन में, जोर उमड़ा जब पट्ठा है हनुमान का, पहलवानी है हलचल मचाने लगी, ताल थामा न कोई अखाड़े में था भरी जवानी, बदल कसमसाने लगी. ज
जमाना चाहे बाबूजी जो भी रहा हो, हुकूमत जिसकी भी रही हो, मर्दों के लिए तो जंगे मैदान में अपनी हौसला दिखाने का एक मौका मिलता है। यहाँ एक कवाली लगल मास्टर आजकल गोइया बताओ तू कि नई कवाली है। हम कहते कि 25-30 वर्ष पहले फतेह अली खान ने इस कवाली को गाया था। कैसे गाए थे? मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजाया गया मेरे रस के। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, क्या बात है, जब नजर से मिलाई मजाया गया, वर किसी गिर गई काम ही कर गई, वर किसी गिर गई काम ही कर वर किसी आग ऐसी लगाई मचाया गया, वर किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मचाया गया। ए भैया बाबू चाचा बिरहा में गजब का लाइन कवि जी लिखलन, कैसे लिखना मास्टर? बनके शेरे समर जब की गर जय बबर, बनके शेरे समर जब की गर जय बबर, बनके शेरे समर जब की गर जय बबर, मात खाया जमाना धरा हिल गई बनके शेरे, बन के शेरे समर जब की गर जाए बबर, बहुत अच्छे, माँ दिखाया जमाना धरा ही गई तो लोहू मरा बदन जंग शेरे वतन, लोहू मरा बदन जंग शेरे वतन, जब चला है दीवाना समर हिल गई लोहू मरा बदन जंग शेरे वतन, जब चला है दीवाना समर हिल गई इवें से बाबू बिरहा की शुरुआत हो गई। जोहरी सर लगे हारमोनियम मास्टर हमरे बुल्लू उस्ताद वाली, जंजीर के अंदर जकड़ा कंचनपुर नगर के अंदर, कंचनपुर नगर के अंदर, कंचनपुर नगर के अंदर एक उमड़ा शेर निराला,
अब यहां से तनी उठा के जोहरी हुई नहर का बनाया खाड़ा सही है मुन्ना। ए भैया, एक क्लार्क नाम का पहलवान लंदन की धरती से चैलेंज लेकर चला है। तमाम देशों में अपना चैलेंज ठोंकते पहलवानों को पछाड़ते हुए सोच रहा है कि भारत एक अजब देश है। वहां तो कला और कुश्ती का शौकीन लोग हैं। चलूं जरा देखूं कि वहां के लोग, वहां के पहलवान, वहां के कलाकार कैसे हैं। भारत में आकर के और चैलेंज ठोकता है। तर्ज बदल भैया। अरे जिया जिया, कोनो दुल्हिन कलर की हमारी पैजेब राजा, अरे हीरा क्लार्क पहलवान चैलेंज ठुकलास तक दंगल में खलबली मच गई। कवि जी लिखा तू कि मचल हल चल भारी, अरे मचल हल चल भारी से वतन में। हिंदुस्तान के कोने कोने से चैलेंज बोलते हुए आता है कहां क्लार्क पहलवान लंदन वाला बीकानेर रियासत में। वही टाइम बीकानरेश के तरफ से एक विराट कुश्ती दंगल का आयोजन रखल गई रहा। तमाम पहलवान बुलाए गए थे। वही में लंदन वाला क्लार्क पहलवान भी आई। अखाड़ा पर घुमावल जाता पूरे दंगल को चैलेंज है, जो दिल चाहे जिसका दिल आए वो आकर हमसे हाथ मिला ले। वही में बैठल हो ना हनुमान पहलवान, कलन की अरे ए धरती से केहू ताल ठोक के गई नहीं, और ये लंदन का डिब्बा का दूध पिए वाला पहलवान चैलेंज बोलत बा। ए भैया, पहलवान हनुमान का रग रग में खून खौले लगल। एक लाइन गीत लगल यहाँ एक गीत कलाइन बा
निबिया के डलिया के डोलिया बदल बा निबि के पतइए देवलोक से चला निभा वानी हो देवता बनल कहा जियम न जिया कवि जी बिरहा में भाव लिखत मन मस्ती बदनिया के छल के लपनिया भइल बा जवनी अंगा बोला बोला गरज हनुमान पहल हुआ नवा न हो ताली ठोंकी के जूझा खड़े पर दौड़ के चढ़लन क्लार पहलवान से हाथ मिलने के बाद कह के बाघिनी का दांत गिने जहां के लाल नामा ऐसन धरतिया हमारन हो राम किया हो राम रे ऐसन धरतिया हमारा रायो सीवा जवने देश का सपुतावा बहे जहाँ मारित का धारण हो रहा क्या हो रहा मरे दौड़ जवन मैया खराब पे जाके हथवा मिलाया हो से हाथ मिला ले लन तारी तर 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 बजे लगल जंगल में गर्मी आ गई जब दोनों पहलवान नगोटा जांघिया बांध की अखाड़े पर चलन हनुमान दुई फेरा दौड़ के चार गो दंड बैठा कैलन ते एकदम शीशा ऐसा चम 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 के लगल देखवैया कहे जय बजरंग बली आज अपने देश का पानी एक तरफ बा तो एक तरफ लंदन का पानी बा देखा कई जिला के रामा शंकर भैया गीत लग गई एक ही मिर्जापुर में लोग चौलरिया कहलन बनारस में कचकचवा कहलन गाजीपुर बलिया में लकड़ बझवा कहलन कैसे गर्जल ताला खाड़ है दोनों पहलवा नवा हो जवा नवा भाई कैले तूफनवा हिक्का चाप लगाई अरे को हिक्का चाप फसाई मारे थो
भोबिया पाट लगाई, मारे भोबिया पाट लगाई, भैया सवार सीने ऊपर मारा दानवा हो जवानवा, कहने चुलमी तूफनवा हनुमान पलवान क्लार्क पलवान के पटक के छाती पर बैठ गए। लोग दंगल देखवैया तर 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 ताली बजाओ थुन। अरे हनुमान वाह, सचमुच राम भक्त हनुमान जैसा आज लगत हुआ। ए भैया बीका नरेश के तरफ से एक स्वर्ण जड़ित साफा हनुमान पहलवान के सर पे बांधल गई। धीरे धीरे समय गुजरत बा, पांच छह महीना का समय बीत गई। अंग्रेजी हुकूमत के लोगन की ई बात अच्छी नहीं लगल। लंदन के पहलवान के पटक के छाती पर हनुमान बैठा, शाही स्वर्ण जड़ित साफा बांधा गया और यहाँ के लोग कितने खुश दिल लग रहे थे। ए भैया धीरे धीरे छह महीना के बाद वो घटना घटल, गीत लगल भैया। बदले की भावना में पाजिया भी मानिया, यारे पाजिया भी मानिया हो, गोरे सिपाही बादा कारजी। हनुमान पहलवान चिलन के लड़ावे अखाड़ा पर गई। हुन औरत खेत में काम करती है, घरवा छोटा सा नन्हा सा लड़का सुतल है। इतने में कमीना कैलन का कि घरवा में आगियाला गाए दुराचारियाला, गाए दुराचारिया हो, देख चंदा भाई लीला चार जी। अरे चंदा खेत में काम करत थी, तोरे घरवा में अंग्रेज आगी लगा दलन, दौड़ पड़ल खांची लेके देखत ये घर धू धू जलत है। बारे माही का दिल सोचत या कि अंदर सुगनवा फसले बाहर मातारी तड़पे, बाहर मातारी तड़पे, कैसे बची आई रावा हा मार जी। जोनी लाल के नौ महीना पकला बना के घर में ढोली, कितना कष्ट से पैदा कैली, आज हमारा आँखी का तारा जल जाई। नहीं माई अपने जान का परवाह न करके सन सन राई नियासी हर गई नहीं आरासी, हर गई नहीं आरा हो, सिस के साने ही आने प्यार जी। मतारी अपने प्राण के चिंता नहीं करके अग्नि में प्रवेश कर गई। बेटा की गोदी में उठा के कैलस का कि गोदिया में लेके अपन अलहरे सुगाना, अलहरे सुगाना, छोड़ी चंदा घरावा दुआर जी। बारे माई एक ठे सैया वाला जवन साफा बांधल है नाम में, वही सफवा में अपने मुन्ना के लपेट के हो अब बहुत बेतहासा से लेके भगल। घर से बाहर आई रात अधेरी सुनसान, रात बा लेके अपना लड़का के भगत बा, कहीं अंग्रेज कभी ना पकड़ न ले। पागलन का दशा तीन दिन भूख प्यास के मारे दौड़त भागत पहुंचल कहां कि जोधपुर के राज दरबार में। राजा के चरण में जाके बेटा के लिटा दलस, झरझर आंख से आंसू बहत बा। अरे औरत कौन है तू, किस लिए रो रही है, किसका बच्चा है? कहीं सरकार मुसीबत की मारी एक अबला हूं, आपकी शरण में आई हूं, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा नन्हा सा मुन्हा जालंधर नाम से जाना जाता है। ए भैया तीन दिन बीत गए राजा बाबू,
आज तक मुंह में कोई आहार नहीं मिलल। हमार बेटा भूख प्यास से तड़पत बा महाराज, तर्ज बदल गेल भैया। मतारी रोत बा जोधपुर राजा से एगो विनती करत बा का। कि भूखिया से तड़पे मोरा, भूखिया से तड़पे मोरा, अलहरे सुगनवाए बाबू, कि बाबू हो विधना देखवलन बजर दिनवाए बाबू, बाबू हो पैसा नहीं चाही नौकरिया हो, रो रही है बेटवा के कारण बाबू करम मजदूरिया हो, भार रोटी चाहिए तू, कभार रोटी चाहिए सजिया बिहान वाले बाबू, कभार रोटी चाहिए कि बाबू हो लक्ष्मी का आंख का आंसू का बरसात, राजा के पिघला के मोम जैसन बना दलस। अरे लक्ष्मी ये तेरे लिए तेरे बेटे के लिए दरबार जोधपुर नरेश का खुला है। लक्ष्मी झूठ बासन माजे लगल राज दरबार के भैया, राज दरबार की तरफ से बचवा के खाए पिए के व्यवस्था हो गई। एहर त लक्ष्मी अपने लाल के लेके जोधपुर के राजा के दरबार में गुजर करत ही। ओहरिया कर तनी कहाल सुना लक्ष्मी के अले के बाद हनुमान पहलवान के जब खबर मिलल कि अंग्रेज कमीना हमारे घर में आग लगा दहलन, दौड़ के अलन केहू नहीं लौकत बा, अंग्रेजन के दहशत से सब अपन अपन किवाड़ बंद कैले हलस। लगी लेके तारथवन राखी, न बच्चा का लाश मिलल न औरत का लाश मिलल। ए भैया सही लोग कहने कि जब माया से ठेस लगता है किसी इंसान को तो अध्यात्म की शुरुआत होती है। हनुमान पहलवान रोवतुन की दुनिया में के बाचल बा, पांच छह दिन गांव जवार नदी नाला जंगल में ढूंढलन, न पत्नी कहीं मिलल अन्न कहीं बेटा मिलल। अंत में लाचार हो कि बाबू हनुमान पहलवान एक काम कर गए, यहाँ गीत लगल। आए हाय हाय हाय, कौनो प्रेमी अपनी प्रेमिका के सुंदरता का व्याख्या कैले बा, कैसे कैले बा? होठवा के ललिया कनवा के बलिया, होठवा के ललिया कनवा के बलिया, आँखिया के रे कजरवा, होठवा के ललिया
भाजा ले ला काला रे बादरावा जान मारे लाला कियो हनिया ए रनिया मजा ले ला काला रे बादा हनिया हनुमान पहलवान पत्नी बेटा के वियोग में का कैलन भैया अखिया में आंसू भरी झांखे जवानावा अखिया में आंसू भरी झांखे जवानावा बिरथा भइल जवानिया अखिया में आंसू भरी बहुत अच्छे मुन्ना छुटी गया खड़ावा से प्यार मोरे मितावा उठे बैरा गमन रागी निया आ खड़ावा से प्यार मोरे मितावा उठे बैरा गमन रागी निया हथवा उठावे जवान मोहनी सरंगिया सच्चे ज्ञान की तलाश में घर द्वार चवार को छोड़कर हनुमान पहलवान गोरखपुर के विहर जंगलों में निकल गए। योग के प्रबल गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लिए तो हुआ क्या बाबू फेरिया लगावे गावे गावे बनी जोगिया मांगत गुदरिया घूमी घूमी नगरिया मांगत गुदरिया घूमी घूमी नगरिया दिनवाया उरी राईया घूमी घूमी नगरिया औरी रानिया दिनवा बिताला चौदह साल की समैया दिनवा बिताला चौदह साल की समैया विधान गया जब लिखनिया विधान का अजब लिखनिया भैया हो ओहर लड़का के लेके लक्ष्मी जोधपुर के राज दरबार में गुजर सफर करत बा राज दरबार की तरफ से ओ लड़का के खाए पिए के व्यवस्था बा एहर हनुमान पलवान जोगी बन के गांव गांव में सरही गुदरी लेके भिक्षा मांगत हुन ए वदे कि शायद दुनिया में हमार पत्नी और बेटा कहीं कोनो गांव में होइहन तो जरूर हमसे मुलाकात हो जाई यही आशा उम्मीद में बाबू 14 बरिस का समय बीत गई तो विराह के शैली में कवि लिखलन तनसा बड़ा मास्टर अरे मोरे राम बागन में जैसे नाचे जिंदगी अरे बागन में जैसे नाचे बागन में जैसे नाचे जिंदगी खेल खेल जिंदगी समय के आंगन कल जलाओ भैया लोग होनहार बिरवान के होत चिकने पात जवन लड़कवा के 2 बरिस कर लेके लक्ष्मी जोधपुर राज दरबार में आई रहलीन उ लड़कवा 16 बरिस का उम्र का हो गई बा बढ़िया कुश्ती का लड़वैया हो गई बा
राजा अपनी बेटा के सरीके ओके खियावत पियावत हुन संगे अखाड़ा पर लेके जात हुन इलाके के कोनो पलवान के हिम्मत नहीं ओ जालंधर से हाथ तमिला ले। राजा बड़ा प्रसन्न हुन कि हमार बेटा तत्तक पुत्र ही सही लेकिन दुनिया में हमार नाम रोशन करी। भैया हो यही खुशी में जोधपुर के राजा एक थे विराट कुश्ती दंगल का आयोजन कर दिया। आ कुश्ती दंगल के जब आयोजन कर दहलन तो ही दंगलवा में जालंधर पहलवान के घुमावल जात बा तमाम पहलवान आयल हुवन लेकिन ओ पहलवान से केहू हाथ नहीं मिलावत बा। ओ दंगल का उद्घाटन करे खातिर देश का पीएम माननीय पंडित जवाहरलाल मोती जी गेलन ऐसे कि तब हमके आपके हिंदुस्तान के आजादी मिल गई रहा। अखाड़ा पर घुमावल जात हुवन जालंधर पहलवान ऐलान भाई कवि जी भाव लिखलन अरे झूमा अखाड़े पीछे बीर जंग साली ताली कर जलबा औ मीडाल पंजा कोई जवान जंग साली ताली कर जलबा के हरी गज में सीना सांचे ढली जवानी हो खम के दली झलके रानी चढ़ा बदन पर पानी हो मिला न पट्ठा कोई बीर रंग साली ताली गरी जलबा अरे बजल सरंगिया तब से जोगी वाली ताली गरी जलबा। खड़वा पर जालंधर घुमावल जातु भैया अब बगलिये से जोगी बाबा सरही लेके गुदरी के इच्छा में घूमत जातु देखलन बड़ा भारी दंगल है कोनो पहलवान कि कई बेर चैलेंज करत भाई कोई पकड़त नहीं है। सोचले लड़का का मनोबल टूट जाए त सरंगिया गुदरिया दंगल से बहरवा रख के आ दौड़ल गइलन जाके जालंधर पहलवान से हाथ मिला ललन। आदमी कहना कि हाँ तो इनका हाथ गुड़ तब ठीक नहीं रखे जोगी हमन भीख मांगे के चाहे तो गैलन जालंधरा से लड़े हाथ गोड़ इनके तोड़ के रख दे भिखियो ना मांगे लेके छोड़ी। ए भैया जालंधर पहलवान से हाथ तो मिल गई देखबा जालंधर पहलवान जब हाथ मिला के चलन तो जोगी बाबा कहना कि रेफरी महोदय कम से कम आधा घंटा समय चाहिए कल की 5 मिनट हमारे तरफ से। अब ही 10 मिनट भैले जालंधर के काला जंग पे चित करके जोगी बाबा सीना पर बैठ गया दिन कहा इतना लहलस जालंधरा का जिंदगी और जोगी बाबा हाथ जोड़ सबके सीना से उठ के और दंगल के बहराई में सरंगी गुदरी उठन जाए लगे। राजा सोचत उन जोधपुर के नरेश की कैसन ही पहलवान बा अरे हमारे जालंधरा के 10 मिनट के बाद चित कर दहलस और डिनमो नहीं लेलस जात बा दौड़ की चरनिया पकड़े है जोगी बाबा तू के हुआ कहाँ करहे वाला हुआ औ पहलवान के पटकला ता अपनी नाम कान लेता कहना कैसन ही नाम अरे लोगन का सहयोग कर जोगी का धर्म होला बेटा के खियावले वाला घुमावतला कोई नहीं पकड़ल सोचली जवान हम मनोबल टूट जाई जाके बाज गेली नाम कैसन कहे धन्य हुआ जोगी बाबा हमारे को प्रार्थना है कि 2 बरिस का समय जोधपुर में दे देता अतनी जालंधर पहलवान के दाव पे सिखा देता कहना के राजा हुआ जोगी जब कर्म से विचलित होला तो राजा बनेला तो हमारे बिरादरी के हुआ तनी सा कहीं चूक गेल हुआ चला तुहार आग्रह स्वीकार कर लेली और जोगी बाबा आग्रह स्वीकार के जोधपुर रियासत में राजा के बनावल अखाड़ा के चार दीवारी में पहलवान के दाव पे सिखावे लगलन। 2 बरिस बीत गए भैया जोगी बाबा कलन की ए राजा अब हमके विदा करा जोगी पानी सयाना एक जगह रही तो गंदा हो जाए हमके जायदा तखन के ठीक है जोगी बाबा जब मने आगे तो चल जाइया परसों तुहार विदाई हुई
परसों जोगी बाबा के विदाई का समारोह रखल बा। तमाम पहलवान जे जे चेला हा कौनो न कौनो तोहफा लिया के दे था। राजा की पूछा ही के कहा कि काल ना दे दी है। लेकिन जब जालंधर पहलवान सुनलस की हमारे उस्ताद जईहन तब दौड़ल गई बा माई के पास और कलस के ए माई हमार धर्म का गुरु आज हमसे विदा होके जात हूं का हम उनकी विदाई में दे कीत बदल गए भैया तनी सा पर्दा लगी मास्टर अरे कवन सहारिया में बाजे ले सारिया अरे बाजे ले सा कवन नगरिया डमरू बाजेला हो जालंधर माई से कहतुन हमरे गुरुजी का विदाई का दिन हो माई हमरे पास तो कुछ है ये नहीं बा कहा गुरुजी के विदाई में दे ये तना सुना दबारा से माई के ना जारी आयर माई के ना जारी आयर माई हम मजदूरा लाचारन होला किया हो लाल हो आय हाय 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 माई के आंख से आंसू के बरसात होत बा बेटा आज घाव ताजा कर देने रहे बाबू का निशानी तोहरे बाटे एगो सफा बेटा बाटे एगो सफा दिहले चरणिए में डालन होला किया हो लाला हो दिहा तू चरणिए ए जलंधरा आज 16 बरिस का समय बीत गए रे तोर बाबू जब क्लार्क अंग्रेज पहलवान के पटकले रहलन बीकानेर के अखाड़े पर तब बीकानरेश राजा के तरफ से यही साफा तोरे बाबू जी के पगड़ी में बांधल हल आ यही सफवा मेरे बेटा तो के बचपना के उम्र में जब अंग्रेज कमीना घर में आग लगा दिले रहलन तो यही में लपेट के लेके भाग लली बेटा इहे तो हमरे लगे बा ले जो अपने गुरु जी के चरण में ए तोहफा के चढ़ा दिए जालंधर के छाती फटे लगल लेके साफा अइलन गुरु जी के चरणिया में जोगी बाबा के चरणिया में डाल के अब पैरवा पकड़ के झरझर रोवे लगलन जोगी बाबा उठा के जालंधर के सीना से लगा लन कारे कोनु कोर के सर तुके दाव पीर सिखावे में कुश्ती कला सिखावे में छोड़ ली काहे रोत हुए रे प्यार से बड़ा तोहफा जिंदगी में कवन बा बेटा बहुत बढ़िया तोरी तोहफा बा लेकिन एक नजर जब उके गौर से देखलन ना तो कभी जी भाव लिखत हूं आल्हा के अंदर पुरन का ला दे दा रमन सिंह जिया से कभी जी निकलन की साफे पर नजरिया जब अरे पड़ल बजोगिया के दिल
नवा मसो से ले पुरानी यादगार आँखियाँ के आंसू देखा पूछे राजा साहब कहे आँखियाँ सुबह देखा चला के बोले जोगी बाबा ये कंचनपुर नगरिया छोटी मोटी खिलल रहे बागिया हमार कलार कहिंदा जोगी बाबा जोधपुर के राजा से रो रो के बताओ तुन कि ये राजा साहब आज से 14 साल पहले जब बीकानेर के अखाड़ा पर हम कुश्ती रियाज करत रहली एक लंदन से क्लार्क नाम का पहलवान आइल हल पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज ठोका था बीकानेर के अखाड़े पर भी चैलेंज ठोका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया हाथ मिलाया और क्लार्क पहलवान को पटक करके चित कर दिया बीकानेर नरेश उसी कुश्ती के पटकने के खुशी में हमको ऐसा ही साफा सर पर तोहफा बांधे थे इहे देख के हमके राजा साहब या ताजा भगई कि बिचया खावा में तोड़ा ली घुमाना सफरा जाती है उपहार लक्ष्मी समान रही चंदा मोरी गुजारिया गोदिया में लाल कर रहे शिव कुमार पतिया अंग्रेज हमार बगिया उजरल अरे चंदा के बियो भली जोगिया सिंगार हो ए राजा साहब 14 साल का समय बीत गई अंग्रेज कमीना हमारे घर में आग लगा दलन ठीक तोरे जालंधर का उम्र का आज हमार बेटा जियत रही तो भई लही ई हल्ला हुपार सुन के किए गो जोगी बाबा जालंधर का सफवा देख के रोवत तुम कुछ कहानी बताओ तुम लक्ष्मी अपने के रोक नहीं पौलिन हो बाबू और चल डालिन जब सामने देखली कि जोगी कोई और नहीं बल्कि हमारे सिंदूर के मालिक जिके हिंदुस्तान के औरत पति परमेश्वर समझे ली रोक नहीं पौली दौड़ के भर अंकवारी पकड़ के रोवत थी पागल बन गई नहीं चंदा कवि जी यहां भाव लिखत हूं भैया आखिरी अरे रोवे चंदा गोदिया मसो से सपना हम के बिरहिन चकोरिया बना वाला सजना जानी जोगी बाबा मैं लक्ष्मी बनकर जरूर यहां हूं लेकिन आज से 14 वर्ष पहले की मैं चंदा हूं पहलवान लक्ष्मी को पकड़ करके रो रहे हैं जालंधर बाबू का पैर पकड़ के रो रहा है
कब ये लिखा थुमन कि जागल पहलवानी फिर जालंधर लाल पाई के जोगी बाबा बच्चे को पकड़ के रो रहे हैं, लक्ष्मी को पकड़ के रो रहे हैं। लक्ष्मी और मेरे जालंधर मुलाकात भी ऐसे जिंदगी के मोड़ पर हुई जिसे एक बार सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो फिर माया के जंजीर में जकड़ नहीं सकता। महाराज अगर कुछ देना चाहते हो तो हमारी धर्म प्रिया और हमारे गोद के सितारे को अपने चरणों में अपने दरबार में जगह दे देना और एक बार राज दरबार को राजा को प्रणाम करके लक्ष्मी को आंसू रूप का विदाई दे करके और जोगी बाबा फिर चल दिए गोरखपुर की तरफ। गजब समय का खेल है पत्तू दो तरफा जंजी अरे कहीं छह बल महल का राजा बनता कभी फकीर हो बागन में जैसे नाचे चांदनी गुड्डू परसी धनबा